चुनाव में हार के बाद लगातार राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। इस बार राजस्थान के सरदार शहर से कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा है कि पार्टी पर नेता थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चुनाव होना चाहिए। पैराशूट नेता राहुल गांधी को उन्होंने कहा और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चुनाव होना चाहिए। कई वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें आगे लाना चाहिए, न सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। भंवरलाल राजस्थान के चुरू के सरदार शहर से विधायक है जिन्होंने सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर। आपको याद होगा इससे पहले केरल के टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को जोकर कहा था, जिसके बाद विवाद हुआ। आपको सुनाते हैं भंवरलाल शर्मा ने क्या कहा राहुल गांधी पर। राहुल गांधी तो एक परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण वो नेतृत्व, वो परिपाटी क्या राजा महाराजाओं के आपने इतिहास पढ़ा होगा, संतान सारी योग्य होती थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आना चाहिए। पार्टी नेतृत्व तो एक एकाधिकार की बात होगी। अब देखिए मेरी राय, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। अब जो लोग ग्रास रूट से आए हैं और पैरासूट से आए हैं, उनके बीच में पार्टी में संघर्ष होगा। पैरासूट वाले एक साइड में चले जाएंगे, ग्रास रूट वाले एक साइड में चले जाएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम एडोप्ट करना चाहिए, न्याय की थोपाथापी होनी चाहिए। अब कुछ चंपू बयान दे रहे हैं, प्रियंका जी को लाओ, राहुल जी को लाओ। अरे प्रियंका जी, राहुल जी को लाओ, कुछ और भी सोचो। देश में थे सीनियर लीडर बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस, ये क्या हालत हुई, आंध्र क्यों खोया इन्होंने, अपनी जिद की वजह से खोया आंध्र, अपनी जिद की वजह से खोया। अब ऐसे ये आसाम को खोएंगे और ऐसे ये जो अनेकों प्रांतों में है ना, वो यथार्थवाद की दिल्ली क्यों, इनको पहले इतला आ रही थी कि सारा गड़बड़ हो रहा है। अब हरियाणा भी जा रहा है, क्यों, ये क्या है, ऑब्जर्वर कुछ बातें कहना नहीं चाहता, बड़ी लंबी कहानी है, पर वो पांच चार लोग मैंने बताया ना फीड करते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है। तो आपने सुना भंवरलाल शर्मा को, जो राहुल गांधी और उनके सलाहकारों पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया था, अब राजस्थान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सलाहकारों पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से ज्योति, जिस तरीके की हार राजस्थान में पहले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हुई है, तो हार का ठीकरा सीधे तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता फोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी पर। और उसी का ये नतीजा है कि भंवरलाल शर्मा ने जो कांग्रेस की फीडबैक मीटिंग थी, उसमें न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अशोक गहलोत और सीपी जोशी जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, उनको भी सीधे तौर पर उन पर हमले हुए। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि राजस्थान में जो हार हुई है वो सीधे तौर पर सरकार जो थी कांग्रेस की और सीपी जोशी जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी वजह से हुई है। और राहुल गांधी के लिए तो सीधे तौर पर भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरह मुंह छुपाकर रहना नहीं चाहते, वो जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि पैराशूट लीडर नहीं चाहिए, ग्रास रूट के लीडर चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस एक एक करके राज्यों से हार रही है, आने वाले चुनावों में कांग्रेस की और बुरी स्थिति होगी। तो ये बिल्कुल साफ है कि मनीष शायद यही बड़ी वजह है कि जो हार की समीक्षा के लिए राजस्थान में बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस के बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे राजस्थान के। जी ज्योति, सिर्फ खाना पूर्ति रही ये बैठक, और जितने भी तमाम बड़े नेता वो इन बैठकों तक पहुंचते ही नहीं है, खासतौर पर हार के कारणों के लिए वो विधायक या वो सांसद पद के दावेदार जो हारे हैं वो वहां पहुंचे, लेकिन जिन्हें बड़ा नेता माना जाता है उनमें से कोई भी नेता इस फीडबैक मीटिंग में नहीं पहुंचा और केवल खाना पूर्ति के तौर पर ये बैठक हो गई। तो कुल मिलाकर एक औपचारिकता पूरी हो रही है, रस्मी तौर पर ये बैठक हो रही है, और उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। आगे बिल्कुल, शायद हार से सबक कांग्रेस ने नहीं लिया है, कांग्रेस कितनी गंभीर है ये पता चल गया। लेकिन अब राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले टीएच मुस्तफा ने सवाल उठाए थे राहुल गांधी को जोकर कहा था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। अब भंवरलाल जो कि चुरू के सरदार शहर से विधायक है, उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाया और कहा कि पैराशूट नेता नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चुनाव होना चाहिए। कई वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें अब आगे आना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, टीएच मुस्तफा को तो सस्पेंड किया गया था, अब कांग्रेस पार्टी भंवरलाल पर क्या प्रतिक्रिया देती है, भंवरलाल का क्या होगा।